गौतम बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे, ने जीवन में शांति और समर्पण का संदेश दिया। उनके उपदेशों में चुप रहने की कला भी एक महत्वपूर्ण पहलू थी। यह कहानी इस कला की महिमा को स्पष्ट करती है। कहानी चुप रहने की कला। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संप्रदाय के साथ एक गांव में जा रहे थे। गांव में रहने वाले लोग बहुत ही शोर शराबे वाले थे और हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। गांव में कुछ लोग बुद्ध से मिलने के लिए आए और उन्हें शिकायत करने लगे कि उनके गांव में लोग बहुत अराजक और गुस्से में रहते हैं। वे बुद्ध से मदद की उम्मीद करते हुए बोले, बुद्ध महाराज, यहाँ हर कोई एक दूसरे से लड़ता रहता है, हमें शांति चाहिए, आप हमें क्या सिखा सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपने ठीक कहा कि यहाँ बहुत शोर है, बहुत गुस्सा है, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब कोई व्यक्ति आपसे गुस्से में आकर कुछ बुरा कहे तो आप क्या करते हैं? गांव वालों ने जवाब दिया, हम भी गुस्से में आकर जवाब देते हैं ताकि वह जान सके कि वह गलत है। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम चुप रहो और उसके शब्दों का जवाब न दो तो क्या होगा? गांव वालों ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो वह और गुस्से में आ सकते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह ठीक है, लेकिन सोचो, अगर तुम चुप रहते हो तो उसके गुस्से को और बढ़ावा नहीं मिलेगा। यदि तुम जवाब देते हो तो दोनों के बीच झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम न केवल अपने मन को शांत रखते हो बल्कि सामने वाले को भी सोचने का अवसर देते हो। बुद्ध ने आगे समझाया, चुप रहना इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो या डरते हो, बल्कि यह एक प्रबल साधना है, क्योंकि चुप रहकर तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हो। यह शक्ति तुम्हें शांति, संयम और समझ देती है। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा से यह स्पष्ट होता है कि चुप रहना केवल मौन रहना नहीं, बल्कि यह एक गहरी समझ और आत्मनियंत्रण की स्थिति है। जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी उसके शब्दों पर पुनः विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं। कभी कभी चुप्पी ही सबसे प्रभावी उत्तर होती है, क्योंकि इससे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जीवन में कई बार चुप रहकर हम अपने और दूसरों के बीच की दूरी और गुस्से को कम कर सकते हैं।